विनेश फोगाट एक जानी मानी पहलवान है। WFI ने विनेश फोगाट के टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद 10 अगस्त को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। WFI ने टोक्यो ओलंपिक में 3 मामलों में विनेश की अनुशासनहीनता का हवाला दिया। अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो WFI लंबे प्रतिबंध पर विचार कर रहा है। इसके लिए 16 अगस्त की समय सीमा है। WFI के सूत्रों ने ओलंपिक में फोगाट द्वारा अनुशासनहीनता के 3 मायने बताए हैं, मैं आपको बताता हूं। विनेश हंगरी में अपने कोच वॉलर एकॉस के साथ प्रशिक्षण कर रही थी। इसके बाद दोनों ओलंपिक के लिए हंगरी से टोक्यो गए। जबकि भारत के पहलवानों का समूह अपने कोच के साथ टोक्यो गया। फोगाट ने अन्य भारतीय महिला पहलवानों के साथ एक ही कमरे में रहने से इनकार कर दिया। विनेश ने तर्क दिया कि उसे कोरोना वायरस हो सकता है क्योंकि ये पहलवान भारत से आए थे जहां कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। वह एक अलग कमरा चाहती थी, वह भी एक अलग मंजिल पर, और अपनी वरिष्ठता थोपने की कोशिश की। यह उसकी पहली अनुशासनहीनता थी। दूसरा आरोप यह है कि विनेश ने भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ प्रशिक्षण तक नहीं किया। एक सूत्र ने कहा, विनेश ने भारत के मुख्य महिला कोच कुलदीप मलिक से कहा, कि वह अपनी निजी कोच वॉलो एकोस जो हंगरी से है उनके साथ प्रशिक्षण करेंगी। एक दिन विनेश का प्रशिक्षण और मलिक के साथ दूसरी भारतीय महिला पहलवानों का प्रशिक्षण एक ही समय पर तय हुआ। फोगाट ने अपना समय बदलवाया। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वह भारतीय दल के साथ नहीं है। यह उसकी दूसरी अनुशासनहीनता है। विनेश पर तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने शिव नरेश नामक कंपनी द्वारा प्रायोजित सिंगलेट नहीं पहना था। शिव नरेश सिंगलेट के बजाय विनेश ने अपने मुकाबलों के दौरान अपने निजी प्रायोजक नाइकी का सिंगलेट पहनना चुना। लोग बहुत हैरान हुए। अनुशासनहीनता के ये 3 मामले थे जो उसके अस्थायी निलंबन का कारण थे। अगर इन पर उसका जवाब असंतोषजनक है तो उनके प्रतिबंध को बढ़ा दिया जाएगा। WFI के एक सूत्र ने कहा, उसकी अनुशासनहीनता के कारण उसे निलंबित कर दिया गया है। प्रतिबंध का मतलब यह होगा कि वह किसी भी राष्ट्रीय या अन्य घरेलू स्पर्धाओं में तब तक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती जब तक कि वह जवाब दाखिल नहीं कर देती और WFI अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। अगर वह जवाब नहीं देती है तो प्रतिबंध आजीवन रहेगा। WFI को IOA
भारत ओलंपिक संघ द्वारा फटकार लगाई गई कि वे अपने खिलाड़ियों को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते। इससे पहले कि आईओए नोटिस भेज पाता, डब्ल्यूएफआई ने फोगट से अपनी अनुशासनहीनता के बारे में बताने को कहा। इस बीच डब्ल्यूएफआई ने 19 वर्षीय युवा पहलवान सोनम मलिक को भी कदाचार के लिए नोटिस जारी किया। आप सभी जानते होंगे कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के पासपोर्ट वीजा के लिए एकत्र किए जाते हैं। हालांकि रविवार को छुट्टी थी, डब्ल्यूएफआई ने अपना कार्यालय खुला रखा ताकि खिलाड़ी अपने पासपोर्ट ले जा सके। सोनम का पासपोर्ट तैयार था। अधिकारियों ने सोचा कि या तो वह या उसके परिवार के सदस्य इसे लेने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने पासपोर्ट लेने के लिए एसएआई के एक अधिकारी को भेजा। एसएआई के अधिकारी को भेजने के उसके व्यवहार से लोग दंग रह गए। ये बच्चे सोचते हैं कि वे ओलंपिक्स में जा रहे हैं, इसलिए वे किसी तरह के स्टार बन गए हैं, और फेडरेशन या एसएआई के लोग पासपोर्ट लेने के लिए उनके नौकर हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनम के पिता राजेंद्र मलिक ने अपनी बेटी के बचाव में कहा, सोनम के एक स्टार होने और अपना पासपोर्ट नहीं लेने के बारे में विचार झूठे हैं। पासपोर्ट दिल्ली में डब्ल्यूएफआई कार्यालय में था। हम दिल्ली की यात्रा नहीं कर सके क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में लॉकडाउन था। सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओलंपिक से पहले वीडियो कॉल में यह बात कही थी कि किसी भी प्रकार की परेशानी के सामना कर रहे किसी भी खिलाड़ी को ऐसे आय से संपर्क करना चाहिए। मेरे पास एक अधिकारी का संपर्क था, इसलिए मैंने उनसे संपर्क किया और उनकी मदद मांगी। शुक्र है कि उन्होंने डब्ल्यूएफआई कार्यालय से पासपोर्ट लिया और सोनम को पासपोर्ट प्रस्थान के दिन हवाई अड्डे पर मिला। अनादर का इरादा नहीं था।